Hello friends and welcome to the next episode of iLog, which has everything to do with vision and eye care. And this is a very interesting episode and it's all to do as to how to look after your eyes after you turn 40. So vision is one of the most important senses that we take for granted. Yeh episode mein main batane wala hoon ki 40 ke baad kis tarah nazar ka khyal rakha jaye. पहली चीज है, जैसे हम लोग 40 के बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं, ECG कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आंख का चेकअप कराएं। 40 के बाद सबको नजदीक का नंबर आते हैं, जिसे हमें इंग्लिश में कहते हैं प्रेसबायोपिया। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, इट्स जस्ट अ नेचुरल एजिंग ऑफ योर लेंस। सो इट्स ऑलवेज अ प्लस नंबर। मेनी टाइम्स पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस होगा या प्लस होगा। हमेशा नजदीक का नंबर प्लस होता है और दोनों आंख का बैलेंस पैरेलल जाता है। तो अगर प्लस वन है तो दोनों आंख का प्लस वन होगा एट 40, और वे आस्ते आस्ते नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 40 के बाद आपको रूटीन आई चेकअप की ज़रूरत है, वैसे हर 1.5 साल में आपको चेकअप कराना है। डोंट फॉरगेट फ्रेंड्स, योर नंबर विल कीप इंक्रीजिंग टिल यू आर 60। सो इफ इट स्टार्ट्स एट 40, जब तक आपकी एज 60 हो जाए तब तक योर नंबर विल बिकम प्लस 3। सो दिस इज रूटीन, हैपेंस टू एवरीबॉडी, डू नॉट वरी एंड पैनिक। 40 के बाद दूसरा प्रॉब्लम जो हम काफ़ी डिटेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। सो कैटरेक्ट इज पॉसिबल आफ्टर 40। द अर्लियर टेस्ट यू हैव, द अर्लियर ट्रीटमेंट यू हैव, द बेटर द रिजल्ट्स। पहले के ज़माने में हम लोग कहते थे कि मोतियाबिंद पका नहीं है, पकने दो, पकने के बाद ऑपरेशन कराना है। ये साइंस अब बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत चेंज हो चुका है। आजकल हम लोग ब्लेडलेस, बिना ब्लेड की सर्जरी लेजर से करते हैं। तो ये मोतियाबिंद जितना कच्चा हो ब्लेडलेस के लिए बेस्ट रहता है। अगर पक जाता है तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन और तकलीफ होती है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो आफ्टर 40, लाइक हम लोग नंबर चेक करते हैं, मोती का रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है। इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू कवर वन मोर पार्ट विच इज़ कॉल्ड ARMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो पर्दा हमेशा राउंड होता है, 360 डिग्रीज, उसका सेंट्रल पार्ट को हम लोग मैक्यूला कहते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है, इन सम पीपल दिस मैक्यूला कैन अंडरगो डीजनरेशन, मींस उम्र के वजह से पर्दे का घिसाव। ये दो प्रकार के होते हैं, ड्राई और वेट। हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ड्राई डीजनरेशन है तो उसका इलाज है ओरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए एक्सेट्रा। अगर वेट डीजनरेशन है तो इसका इलाज है मेडिसिन इनसाइड द आई विच वी इंजेक्ट इनसाइड द आई। ये उम्र की, जैसे इट ऑल्सो नोन टू बी हेरिडिटरी। सो इफ योर पेरेंट्स हैव ARMD, यू मे डेवलप ARMD। इसीलिए हम कहते हैं कि 40 के बाद रेगुलर रेटिना चेकअप एंड रेटिना स्कैन, जिसे हम कहते हैं OCT, ये ज़रूरी है। सो रिमेंबर दैट इफ़ यू हैव डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, रेगुलर आई चेकअप इज एसेंशियल। We always dilate the eyes, we scan your retina, we give you a picture of your retina, because that is how हम लोग compare कर पाएंगे कि पहले कुछ problem था और अब new problem develop हो रहा है कि नहीं। So regular checkup, if you have diabetes and blood pressure, every 4 to 6 months of your retina is essential. And of course, control your blood pressure and diabetes. ये जो diseases हैं, age related degeneration of the retina, ब्लड प्रेशर के इफेक्ट ऑन द रेटिना, डायबिटीज के इफेक्ट ऑन द रेटिना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? वेरी सिंपल फ्रेंड्स, यू मे सी ब्लैक स्पॉट्स और स्मॉल फ्लाइज और मॉस्किटोज फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ योर आई, देन गेट अ रेटिना चेकअप डन। इफ वी आर शोइंग यू अ स्ट्रेट फुटरूल, इट मे अपीयर कर्वी, देन यू मे हैव डेवलप एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ द रेटिना। सो ऑफकोर्स रेगुलर रेटिना चेकअप जरूरी है, साथ साथ में आपको ये टेस्ट से घर से पता चलेगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। So this was all about diseases that may develop after the age of 40 or how to look after your eyes after the age of 40. Don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to press the notification button so every time we come out with a new episode, you'll be notified immediately. iLogs is everything to do with vision and eye care and what is the latest that is happening in eye care. Please share this video with friends and family and make sure that this awareness is spread. Any more comments that you need to pass on this episode, please feel free to get back to us and we will be surely getting back to you.